आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 250 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में अब तक ये 2553 रुपए का मिलेगा। फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पिछले 10 दिनों में लगातार 9 बार कीमत बढ़ाने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। अब तक इसमें 6.4 रुपए प्रति लीटर तक की कीमत बढ़ चुकी है। 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आज से दिल्ली में इसे रिफिल करवाने के लिए 2253 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 मार्च को यह दिल्ली में 2012 रुपए में रिफिल हो रहा था, 22 मार्च को घटकर 2003 रुपए पर यह आ गया। वहीं कोलकाता में अब ये 2087 रुपए के बजाय 2351 रुपए और मुंबई में 1955 की जगह आज से ये 2205 रुपए खर्च इस पे करने पड़ेंगे। चेन्नई में अब ये 2138 रुपए के बजाय 2406 रुपए इसमें अब ये लगेंगे। एलपीजी ग्राहकों को महंगाई का झटका लगना 22 मार्च से शुरू हुआ था। इस दिन बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं आया था। आज यानी नए वित्त वर्ष के पहले दिन भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 949.50 रुपए, कोलकाता में 976 रुपए, मुंबई में ये 949.50 रुपए और चेन्नई में 965.50 रुपए में रिफिल हो रहा है। वहीं 1 मार्च को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ था और 22 मार्च को 9 रुपए ये सस्ता हुआ। वहीं अक्टूबर 2021 से 1 फरवरी 2022 के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम 170 रुपए बढ़े हैं। दिल्ली में 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1736 रुपए था, नवंबर 2021 में ये 2000 का हुआ और दिसंबर 2021 में ये 2101 रुपए का हो गया। इसके बाद जनवरी में ये फिर सस्ता हुआ और फरवरी 2022 को और सस्ता होकर 1907 रुपए पर ये आ गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को ये 2253 रुपए पर पहुंच गया। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।